सब्सक्राइब करिए टेकी पाठशाला यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस और नए आइडियाज के लिए। नमस्कार दोस्त, मैं आपिस बात कर रहा हूँ जो इसमें वीडियो को देख रहे हैं। तो सबसे पहली बात ये कि नया साल आपके लिए बहुत ढेर सारी खुशियाँ आपके लिए लेके आए। आप हमेशा स्वस्थ रहें, हर एक छोटे पल को आप इंजॉय करें और जितने भी निगेटिव चीज़ें हैं उसे आप तुरंत भूल जाएँ, इग्नोर कर दें। ऐसा भगवान आपको शक्ति दे और बहुत सारी खुशियाँ दे। दोस्तों, आपने नए साल में तो बहुत सारे रिजोल्यूशंस बनाए होंगे, तो मैं एक छोटी सी आदत के बारे में बात करूंगा। इस छोटी सी आदत के पीछे भी अपना लीजिए अपने अंदर, तो बहुत सारी जैसे पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग जैसी बड़ी समस्याओं को हम आसानी से निपट सकते हैं। अपने अंदर बस एक हैबिट में थोड़ा सा चेंजेस ला सकते हैं। सबसे पहले चीज़ हम सेव पेपर, केवल पेपर बनाने के लिए, एक ब्लैंक पेपर बनाने के लिए हमारी कॉपी किताब सारी चीज़ें, साल भर में लगभग 2 बिलियन पेड़ कट जाते हैं, 200 करोड़। और 200 करोड़ पेड़ कटने का मतलब कितनी ऑक्सीजन सप्लाई रुक रही है, तमाम सारी चीज़ें हम इनडायरेक्टली उसमें पार्ट ले रहे हैं पेपर को वेस्ट करके। हम पेपर को, जो पुराने पेपर हमारे जो बच जाते हैं, पुरानी कॉपियाँ बच जाती हैं, हम रफ वर्क के लिए हम पेजेस वहाँ से ले सकते हैं। हम बहुत सारे तरीके हैं, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें हम डिजिटलाइज कर सकते हैं। डिजिटलाइज हम करेंगे फिर उसके, वो बहुत लंबे समय तक रहेगा, वो डिजिटलाइज रहेगा। आप उसे क्लाउड पर रखिए, क्लाउड स्टोरेज की सुविधा मिलती है, तो आप वहाँ रखिए, आप जहाँ चाहेंगे वहाँ से उसको देख सकते हैं, सारी चीज़ें हैं। तो आप पेपर का कम करिए, पेपर का वेस्टेज कम करिए। और दूसरी चीज़ है पानी बचाइए। देखिए, वैसे तो हमारा जो अर्थ है वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। हमारे यहाँ जितनी भी ज़मीनें हैं लगभग 71% केवल पानी पानी है, लेकिन कि हमें यूज़ करने के लिए केवल 1% पानी है जो हम यूज़ कर सकते हैं। 99% पानी ऐसा है हमारे अर्थ पे जिसे हम यूज़ नहीं कर सकते। उस 1% पानी में भी हम कितना यूज़ करते हैं। हम पानी हमें ऊपर से तो मिलता नहीं है, वो बारिश वगैरह उतनी होती नहीं है, फिर हम क्या करते हैं, नीचे से निकाल लेते हैं, ज़मीन के अंदर से निकाल लेते हैं। होता क्या है, वाटर लेवलिंग घट जाती है, हमारे पेड़ पौधे सूख जाते हैं, ज़मीनें हमारी सूख जाती हैं, और फिर बारिश नहीं होती, फिर बारिश नहीं होती है, फिर जाके हम नीचे से निकाल लेते हैं। ये क्या करें, हम धीरे धीरे अब वाटर लेवल को घटा ही रहे हैं। तो इसलिए आप पानी को कम से कम वेस्टेज करिए। हम ब्रश करते समय खोल देते हैं टैप, वैसे ही खुला ही रहता है, वो सारी चीज़ें आप खुद से मतलब वाइजली बचा सकते हैं उसे। आप थोड़ी सी बस चेंजेस लाइए। और दूसरी चीज़, और इलेक्ट्रिसिटी को बचाइए। इलेक्ट्रिसिटी में जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हमारी 2 ही चीज़ से बनती है, या तो कोल से या तो फॉसिल फ्यूल्स। कोल और फॉसिल फ्यूल दोनों नेचुरल वो फ्यूल्स हैं, तो वो मतलब लिमिटेड हैं, वो ख़त्म नहीं हो सकते हैं, और तमाम सारी चीज़ें हैं। हमारे जो 25% पॉल्यूशंस होते हैं ना, वो केवल उन्हीं के बर्निंग से होते हैं, और उनकी बर्निंग से ही केवल होते हैं। तो इसलिए हम इलेक्ट्रिसिटी को वाइजली यूज़ करिए। अपना एक करते हैं ना कि कम से कम जब ज़रूरत ना हो तुरंत बंद कर दिए इलेक्ट्रिसिटी। हम LED बल्ब का यूज़ कर सकते हैं, 80% का कॉस्ट इफिशियंट 80% होता है, और उसके बाद से आपको 25 गुना ज़्यादा चलता है नॉर्मल से। तो तमाम अब बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप उसको वाइजली यूज़ करके आप इन्वायरमेंट में अपने पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पॉल्यूशन को बचा सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को बचा सकते हैं। और तीसरी चीज़ है कि हम अपना खाना बचा करके, जैसे हम अपने फूड्स होते हैं जो भी, हम नॉर्मली हम जितना भी फूड लेते हैं हम उतना खा नहीं पाते हैं, हम कुछ भी कुछ ना कुछ छोड़ देते हैं या फिर ऐसे नॉर्मली। तो इससे क्या होता है ना कि हम जितना भी डंप करते हैं फूड, कितना भी 1 किलो फूड जो हम डंप करते हैं ना, वो लगभग 4 किलो मेथेन गैस छोड़ता है, 4 किलो मेथेन गैस। और ये मेथेन गैस होता है ना 4 गुना ज़्यादा होता है, इफेक्टिव होता है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड से। तो अभी सोचिए ग्लोबली ये कितना कितना बेकार है, हमें नहीं करना चाहिए। हम वाइजली उसका यूज़ करें, हम अपना फूड जितना भी हम खाना खा सकते हैं बस उतना ही कुछ लें, उससे ज़्यादा ना लें, हमें बेकार करने की क्या ज़रूरत है। और तीसरी चीज़ है, हाँ, हम प्लांट करने चाहिए, हमें पेड़ जो भी है हमें पेड़ लगाने चाहिए, हमें नए नए। तो देखिए आप एक, जैसा कि हम जितने भी ऑक्सीजन मास्क, जैसे जब जाइए अस्पताल में आप खरीदने ऑक्सीजन मास्क खरीदेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1 लीटर आपको ऑक्सीजन खरीदने में कितना पैसा देना पड़ता है, और वो नेचुरली हमें कितना मिल रहा है। हमें बचपन से हम ऑक्सीजन यूज़ करते चले आ रहे हैं, उसका हमें जो नेचुरल है, नेचर हमसे 1 रुपये नहीं लेता है, तो हमारा भी कुछ फ़र्ज बनता है इसको अदा करने का। तो हम हमेशा एक हायर मतलब हर महीने एक ट्री प्लांट करें, अपने दोस्तों से प्लांट करवाएं, हम कैंपेन चलाएं कि वो ट्री प्लांट करें। हमें हर साल में तो लगभग 1 पेड़ तो लगाना ही चाहिए। हम ऐसा सोचें अपने रिजोल्यूशन में, हम ऐसा सोचें कि हम इस बार 5 पेड़ लगाएंगे और फिर उनको बड़ा करेंगे कैसे भी, ठीक है।
अब ऐसे करके ऐसे थोड़े थोड़े चेंजेस हैं जिसे हम यूज़ करके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम पार्ट ले सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग और पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, अपने जो रिजोल्यूशन रखिए ना, तुम इतना बड़ा मत रखिए, जैसे कि होता है ना अपने प्रॉब्लम्स को डिवाइड करके काम करना चाहिए। तो हम अपने प्रॉब्लम, जैसे हम एक साल ऐसे प्रॉब्लम रखें कि हम उसका ये टारगेट करें कि हमें एक साल में ये पूरा हो जाना चाहिए, तो हम उसे ऐसे टारगेट कर सकते हैं ना। तो एक एक महीने में हम कितना करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा एक साल में, ठीक है। हम एक एक महीने में हमने उसे तोड़ दिया, अब एक एक महीने को तोड़ के हम ये करते हैं कि अगर एक दिन में हम कितना करें कि वो एक महीने में पूरा हो जाए, वो जो हमारा टारगेट है जो बड़े से हमने छोटा किया है उसे, तो हम हर दिन वो ऐसा करें कि वो एक महीने में जाके वो टारगेट पूरा हो जाए। तो ऐसे प्रॉब्लम आपकी छोटी भी हो जाएगी और सॉल्व भी हो जाएगी और अपना रिजोल्यूशन आपका कंप्लीट भी हो जाएगा। तो इस तरह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करेगा और अपनी छोटी छोटी आदतों को इम्प्रूव करके आप ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन जैसी बड़ी बड़ी समस्याओं से आप पार्ट कर सकते हैं उनको। तो इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।